पिछले बार जो हम जा रुके थे वहीं से हम आगे चलेंगे. In fact, for the last two Wednesdays, we're looking at our topic of distractions in our growth in the Lord. और पिछली दो हफ्तों से हम यही देख रहे हैं कि हमारी आत्मिक ग्रोथ बढ़ोतरी में जो रुकावटें आती हैं, भटकाने वाली बातें आती हैं, उन पर हमने मनन किया था. Based on how the evil one tries to take our minds away from our sincere and pure devotion to Christ. कैसे जो शैतान है हमारे ध्यान को भटकाता है कि हम पूरे पवित्रता से परमेश्वर के वचन पे हम मनन कर सके, उसे हम कैसे हमें भटकाता है. 2 Corinthians 11:3, the apostle Paul expresses his concern for the church in Corinth. और दूसरा करिन्थियों 11:3 में पौलुस जो करिन्थ की कलीसिया के लिए उसमें अपनी अपने विचारों को अपनी चिंता को ध्यान दिखाता है. I'm afraid that just like Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं. 2 weeks back in our first session we spoke about how in our prayer time in our fellowship time with God how the evil one tries to draw our minds away from focusing on the Lord. और हमने देखा था कैसे जो दुष्ट है हमारे मनों को हमारे ध्यान को भटकाता है कि हम परमेश्वर के वचन पे पूरा ध्यान ना दे पाए. In 1 Peter 4:7 written, be clear-minded and self-controlled that you can pray. और पहला पत्रस 4:7 में हम पढ़ते हैं कि तुम पूरी तरह से अपने ध्यान में पवित्र रखो ताकि परमेश्वर के समय होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. In second session, that is last week, we spoke about how we get distracted when you read the scriptures and hear the scriptures. और हमने देखा था पिछली बार कि कैसे जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान को कैसे भटकाया जाता है. The evil one is very scared when Christians get built up in the word of God. जो दुष्ट है वो बहुत परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है जब लोग जो मसीह लोग हैं परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं. Because the word of God is the sword of the spirit against the evil one. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मिक तलवार है हमारे लिए जो दुष्ट के विरोध में हम प्रयोग करते हैं. And he will try his best to draw us away from hearing the word, reading the word and focusing on the word of God. और वो पूरा कोशिश करता है, पूरा दम लगाता है कि हमारे को ध्यान को भटकाए कि हम परमेश्वर के वचन को पर ध्यान ना करें, पढ़ ना पाए और हमारे ध्यान को भटकाता है. In Colossians 3:16, Paul writes, "Let the word of Christ dwell in you richly." कुलुसियों 3:16 में वो पौलुस कहता है कलीसियों के कलीसिया को कि मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. And the evil one will try his best to prevent that from happening. और जो दुष्ट है पूरा प्रयास करता है कि ऐसा होने से वो रोक सके. But praise God, God has given us victory even over the evil one. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें दुष्ट के ऊपर भी विजय दी है. So last 2 weeks spoke about prayer time in hindrances, distractions, and scripture time distractions and hindrances. तो पिछली बार हमने देखा था कैसे प्रार्थना के समय में क्या क्या बाधाएं, क्या क्या भटकाने वाली बातें आती हैं, और फिर हमने देखा था कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय क्या क्या बाधाएं और भटकाने वाली बातें आती हैं. While we pray effectively and read the scripture effectively, in practical Christian living also there are many distractions. और जिस तरह से हम प्रार्थना में वचन के पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं, उसी तरह से और भटकाता है शैतान, उसी तरह से हमारा जो व्यवहारिक जीवन है मसीह जीवन उसमें भी बहुत सारी भटकाने वाली बातें आती हैं. एंड वन डिस्ट्रैक्शन इज लेथार्जी एंड लेजीनेस. और एक बहुत बड़ा भटकाने वाली बात है सुस्ती और आलकस. इन 1 Corinthians 15:10 पॉल राइट्स, पहला कुरिन्थियों 15:10 में पौलुस लिखते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम, परंतु जो मैं कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं. And his grace to me was not without effect. और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ. No, I worked harder than all of them. परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया. Christian life is hard work. To read the scriptures, to hear the scriptures is all hard work. और मसीह जीवन जो है बड़ा कठिन है, उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे मनन करना, ये सब जो है कोई आसान काम नहीं है. It's enjoyable work, but it's hard. Hard on the body, hard on the mind also sometimes. ये आनंददायक काम है और पर इसमें मनुष्य के शरीर के ऊपर, उसके मन के ऊपर काफी जोर पड़ता है. But Paul says he worked very hard to receive the grace from God. पर पौलुस कहता है कि मैंने बड़ा परिश्रम किया कि परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकूं. But even to be able to work hard, he got grace from God.
और उस उस परिश्रम के करने के लिए भी उसने परमेश्वर से अनुग्रह पाया। The strength to be able to work hard, to beat your body and make it your slave, even that strength comes from God. और अपने शरीर को बांधना, अपने शरीर को मार कर पीट के सीधा सही मार्ग पर रखना, इसके लिए जो सामर्थ्य है वो भी परमेश्वर की ओर से ही आती है। As we serve God joyfully, we grow in spirituality, we grow in the knowledge of God. जब परमेश्वर के वचन का आनंद के साथ बढ़ते हैं तो हम आत्मिक रीति से और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाते हैं। When we serve the Lord, we grow in the Lord. जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर में बढ़ते हैं। Because he reveals himself more to us when we share with people what he gives to us, what God gives to us. और जब परमेश्वर जो हमें देता है हम लोगों के साथ बांटते हैं तो हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। And we are called to be people who are hard working in our ministry. और हमें बुलाया गया कि हमें जो सेवकाई मिली है उसमें हम परिश्रम करें। Even the Old Testament time in Jeremiah chapter 48 verse 10 we read. यर्मयाह 48:10 में भी हम पढ़ते हैं। Woe to him who lacks in doing God's work. शापित है वह जो यहोवा के काम आलस्य से करता है। Now Old Testament time woe unto you means it was a curse. और शापित पुराने नियम में अगर बोले तो इसका मतलब ये श्राप है। Today God doesn't curse us at all. पर आज नए नियम में परमेश्वर हमें बिल्कुल श्राप नहीं देते। There are no curses for us. हमारे पे कोई श्राप नहीं है। But then because we are a little lethargic and lazy, we don't take God's word, God's calling seriously. पर अगर हम सुस्ती करते हैं, आलस करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को, उसके काम को गंभीरता से नहीं लेते। Let's not forget we are all servants of God and we are soldiers for Christ. हम इस बात को ना भूलें कि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर के मसीह के सेवक सिपाही हैं। A soldier's discipline, a soldier's hard working, soldier listens to the commanding officer, is punctual, all those qualities a Christian has to imbibe always. और जो सिपाही में गुण होता है, अपने अधिकारी की बात मानता है, अनुशासन में होता है, जो भी उसको आगे मिलते है उसको पूरा करता है, ये सारी बातें जो हैं एक मसीह के अंदर होनी चाहिए। When the Lord Jesus Christ was ministering to people and fed more than 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. जब वो यीशु मसीह ने सेवकाई करते समय 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। People all following him. सब लोग प्रभु के पीछे चल दिए। And he told them in John 6:27. और प्रभु ने उनको बोला यूहन्ना 6:27 में, Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। You're working so hard to get the bread and fish. You're following me wherever I go, but you work hard for the word that is never perishes. तुम परिश्रम कर रहे हो मेरे पीछे चलने की, तुम ये शारीरिक भोजन के लिए, पर तुम मेहनत करो उस आत्मिक भोजन के लिए, अनंत जीवन के भोजन के लिए। The hard work is integral part of Christian life. तो ये परिश्रम जो है ये मसीह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। And how often you find that when it comes to attending a fellowship or church service, how people lethargic and come late even for a church service. और हम देखते हैं कि प्रभु की कलीसिया में भी जब लोग आते हैं इस वचन को सुनने के लिए तो बहुत सुस्ती से गलत बड़े लेट आते हैं भवन में। Even in office we go on time, but we don't go to on time to a church meeting. हम अपने ऑफिस तो सही से टाइम पे पहुंच जाते हैं पर कलीसिया की सभा पे बिल्कुल समय से नहीं आते। We take God very lightly, very often. हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। And therefore when you don't show that zeal and love for God, we miss out on so many aspects of God's grace. और क्योंकि हम ऐसा आलस दिखाते हैं अपने काम परमेश्वर के अनुग्रह पे, तो बहुत दफे परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को हम खो देते हैं। The Apostle Paul worked hard to receive more and more grace from God. पौलुस ने बड़ा परिश्रम किया कि परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिकाई से पा सके। He worked hard by the grace of God to be able to serve God and thereby receive more grace from God. वो परमेश्वर की मेहनत करता रहा कि परमेश्वर का अनुग्रह पाए और अनुग्रह पाने के बाद उसने परमेश्वर की और सेवकाई करी। So one distraction in spiritual growth is laziness and lethargy. तो एक मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी जो बाधा है, जो भटकाने वाली बात है, वो है आलकस और सुस्ती। In fact, in Hebrews 6:12 is written. इब्रानियों 6:12 में ऐसा लिखा है। Do not be lazy, but imitate those who through faith and patience inherit the promises of God. तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास के और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। A second distraction in spiritual growth is bitterness. और दूसरी भटकाने वाली बात एक आत्मिक जीवन में जो होती है वो है कड़वाहट। Bitterness hinders grace. ये कड़वाहट जो है अनुग्रह को रोकती है।
In Hebrews chapter 12 verse 15 we read. इब्रानियों 12:15 में हम ऐसा पढ़ते हैं. There's a caution given by the writer to the recipients of this book. और एक बड़ी चेतावनी दी गई है इस पत्री को पाने वाले लोगों के लिए. See to it that no one misses the grace of God and that no root of bitterness grows up to cause trouble and defile many. और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं. When we allow bitterness to creep into our hearts, जब हम कड़वाहट को अपने हृदय में आने देते हैं, this can happen when we are upset about something people did to us or spoke against us, who slandered us or gossiped about us. We think about that and we develop bitterness. और वो ये इस कारण से होती है हम सोचते हैं उसने मेरे बारे में क्या क्या मेरे बारे में क्या बुराई करी झूठ बोला और उन बातों को हम स्मरण करते हैं और फिर हमारे हृदय में कड़वाहट पैदा हो जाती है. We allow bitterness to creep in and hinders growth. उस कड़वाहट को अगर हम अपने हृदय में आने देते हैं तो हमारी बढ़ोतरी को रोक देती है. The apostle Peter wrote to Christians, born again Christians, about the first step after being born again. और पत्रस ने जो पहले जो विश्वास पाने के बाद पहला कदम है उसके बारे में पत्रस ऐसा लिखते हैं. If you look at 1 Peter chapter 1 verse 23 and 24. पहला पत्रस पहला अध्याय की 23 और 24वीं आयत को. We find that he is explaining about being born again. और यहाँ पे वो नए जन्म पाए जाने के बारे में बता रहे हैं. We've been born again, not of perishable seed, but of imperishable, to the living and enduring word of God. क्योंकि तुम नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. Then in second chapter verse 1 he writes. और दूसरे अध्याय की पहली आयत में वैसा लिखते हैं. इसलिए सब प्रकार का वैर भाव छल कपट ढा और बदनामी को दूर करके. These are all secret sins. ये सब छुपे हुए पाप हैं. In Philippians 4:31, Paul writes, "Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander." और फिलिपियों 4:21 में पढ़ते हैं हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में नमस्कार कहो. 4:31. Ephesians 4:31. Ephesians 4:31. Philippians or Ephesians? Ephesians. Sorry. Okay. सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमको से दूर हो जाएं. And these qualities which are in the heart, you have to put away even before we grow in the Lord, before we begin to become receive the milk of God. और ये सब जीते हमारे बात जरूरी है बहुत जरूरी हमारे हृदय से निकल जाए इससे पहले कि हम परमेश्वर के उस शुद्ध दूध को हम पा सके. In 1 Peter 2:1 he talks about the secret sins, secret things in the heart. Second verse says, like newborn babies, crave your spiritual milk that by it may grow up in your salvation. और पहला पत्रस 2:1 में वो छुपे हुए पापों के बारे में पहले बताता है पहली आयत में फिर दूसरी आयत में कहता है नए जन्म हुए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. When you have bitterness, it leads to slander and talking against people, develop ill will and sometimes even hatred. और जब हमारे मन में कड़वाहट आती है तो फिर हमारे मन में उसके लिए बुरा बात आती है कई बार तो उससे घृणा भी होने करने लगते हैं. Because when you have bitterness, you slander people. क्योंकि जब कड़वाहट होगी तो हम उस व्यक्ति के बारे में बुरी बातें बोलने लगेंगे. And that hinders growth. We can't even receive the milk of God when we have these qualities in us. और इससे हमारी आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाती है और हमारा जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमारे लिए निर्मल आत्मिक दूध जो देता है वो भी हम नहीं पा सकते. So the apostle Peter exhorts the soldiers Paul to Christian to put away all these things in the heart before they even grow in the Lord. और इसलिए पॉल कहता है कि बहुत जरूरी है कि पहले इन बातों को हटा दो इससे पहले कि तुम आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करो. It's ironic that even after people have grown the Lord, suddenly they develop bitterness and that hinders growth. और बहुत अजीब बात लगती है कि एक विश्वासी जब विश्वास पा जाता है उसके बाद वो कड़वाहट उसके मन में आ जाती है और उसकी आत्मिक बढ़ोतरी बढ़ने रुक जाती है. It even hinders in a Christian life. It even hinders fellowship with God. और मसीह जीवन में ये परमेश्वर के साथ संगति में भी बाधा बन जाती है. For example, in Mark 11 chapter 24 and 25, the Lord said. और मरकुस 11 अध्याय 23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा. 24 और 25 में. He says, "Whatever you ask for in prayer, believe, receive it, and it'll be yours." इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गई तो तुम्हारे लिए हो जाएगा. एंड व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग
यू रिमेंबर यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, फॉरगिव हिम देयर हेवनली फादर विल फॉरगिव। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। What that means? It means that we can't even begin to have a meaningful fellowship with our Lord when we have bitterness in our heart. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ कोई भी अच्छी संगति नहीं रख सकते जब तक कि हमारे मन में ये कड़वाहट है। And without fellowship with God, there's no growth. और बिना परमेश्वर के संगति के हमारे में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। As we draw closer and closer to Him, He makes us reveal Himself to us more and more. जब हम उसके साथ जितना नजदीक बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर अपने आप को और हम पे प्रकट करता है। In a group prayer, it's okay to it's possible to pray and join the prayer group and they're all praying with bitterness in your heart. और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग मसीह लोग जुड़े हुए हों और प्रार्थना कर रहे हों पर उनके मन में करवाहट हो। But when you go alone before God, He will speak to us about our bitterness and say, "Put it away, then only you come to me." और अगर हम परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर पे जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलेगा पहले इस करवाहट को अपने मन से दूर कर, तब मैं तुझसे बात करूंगा। And therefore, you must remember that when we are bitter with people, it affects us, it doesn't affect them. और ये भी हमें समझना चाहिए कि जब हमारे मन में कड़वाहट होती है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, उनके ऊपर नहीं पड़ता। Having unforgiveness against a certain person is like drinking poison and expecting him to die or her to die. किसी व्यक्ति के बारे में कड़वाहट रखने का मतलब ऐसा है कि हम तो जहर पिए और उम्मीद करें कि वो मर जाए। That doesn't happen. ऐसा हो नहीं सकता। Such attitudes only affect us, it doesn't affect the other person. और ऐसी बात से हमें ही प्रभाव पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। In fact, the other person who harmed you seems to be enjoying life. और बनिस्बत उसके जो हमारे जिसने हमारे को नुकसान पहुंचाया है उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता, वो तो मजे कर रहा जिंदगी में। And that makes us even more bitter. और उसको देख के हम और कड़वाहट हमारे मन में आती है। So forget about that. Simply put away that bitterness. Forgive and forget and enjoy your relationship with God. That's when growth takes place. और ऐसा होता है तो सबसे पहले है कि उसको माफ कर दें, उसको भूल जाएं और फिर परमेश्वर के साथ अपनी संगति का आनंद उठाएं। Remembering people's wrongs against us and their words against us will distract our walk with God, distract hearing God's voice. तो अगर हम जो व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है उसके बारे में मनन करते रहेंगे तो हम सोचते रहेंगे तो हम परमेश्वर की बात को सुनने में वो हमारी बाधा बन जाएगा। And therefore, let's be wise as serpents. The evil one is a serpent. We must be one up on him, be one step ahead of him, and not let him distract us from our sincere devotion to Christ. तो जो शैतान जो बहुत एक सांप की तरह चतुर है, हमार को से एक कदम आगे रहना है और हमार को अपने ध्यान को भटकने नहीं देना बिल्कुल। A third thing that distracts us from spiritual growth is when our love for God grows cold because of circumstances. और तीसरी बाधा तब आती है जब हमारा परमेश्वर से जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाता है अपनी परिस्थितियों के कारण से। Now the Lord has already spoken the word about in the last days how wickedness will increase. और प्रभु ने बताया था कि कैसे अंत के दिनों में जो दुष्टता है वो बढ़ जाएगी। In Romans chapter 5 verse 20 it says the wickedness increases grace abounds. और रोमियो 5:20 में लिखा है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। Now, if you look at 2 Timothy 3rd chapter verse 1 to 5, the whole list of things that will happen before Christ comes. और दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 1 से 5 में हम देखते हैं बहुत सारी बातों को लिखा है जिसके जो प्रभु के आने से पहले होनी है। Reading that passage like reading the morning newspaper. और इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम रोज का अखबार पढ़ रहे हो। And I'd like someone to read it in Hindi. 2 Timothy 3rd chapter verse 1 to 5, could you read please? Slowly, anyone. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी लोभी ईमान अभिमानी निंदक माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतधन अपवित्र दया रहित क्षमा रहित दोष लगाने वाले असंयमी कठोर भले के बैरी विश्वासघाती धीट घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसो से परे रहना। Okay. It's so obvious that this is happening even today. और बड़ा हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो हैं अभी आज भी हो रही हैं। It's not surprising, but we should know that God has already spoken about this.
और हमारे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि ये बातें प्रभु ने पहले ही हमसे बता दी। There been increase of wickedness in the last days. कि अंत के दिनों में ये दुष्टता जो है बहुत बढ़ जाएगी। And Jesus said in 24th chapter of Matthew in verse 12. और मत्ती 24:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. और अधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। What's the meaning of love growing cold? प्रेम ठंडा हो जाने का क्या मतलब है? Like the Lord spoke to the church in Ephesians said, you're forsaking your first love. जैसे प्रभु ने फिशों की पलीसियों को लिखते हुए बोला कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। Now, what's the first love is when you come to Christ, you're so full of love for Him that you obey Him. Loving God is to obey Him primarily. और ये पहले जब हम परमेश्वर से प्रेम करते थे हम उसकी बड़ी आज्ञा मानते थे। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। There are two aspects of loving God. One is to obey Him, other is to serve. और परमेश्वर से प्रेम करने की दो बातें हैं, एक तो उसकी आज्ञा मानना, दूसरा उसकी सेवा करना। And both obedience and service comes out of love for God, which comes from understanding God's love for us. और ये जो सेवा करना और उसकी आज्ञा मानना, ये दोनों है, ये परमेश्वर की, ये उससे आता कि जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। So the Lord told the church in Ephesus, you are forsaking your first love. What he's saying is, when you first came to me, you came to know me, you're full of love for me, you're obeying me. और यीशु की पत्री को जब प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा पहला तो प्रेम ठंडा हो गया, इसका मतलब यह है कि जब तुम पहले जब मेरे पास आए थे तो तुम मुझसे बहुत प्रेम करते थे। Now you're not obeying me that much. पर अब तुम मेरे से इतना प्रेम नहीं कर रहे हो। So we have to examine ourselves, we have to ask ourselves, Has our love grown cold? Have we forsaken the first love? तो हमें परमेश्वर से के सामने इस प्रश्न को अपने से पूछना है कि क्या मैंने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है? What's the measure of knowing that? इसको नापने का परमेश्वर के प्रेम को मैं कितना करता हूँ, कैसे नाप सकते हैं? A simple question, the answer to the question will decide whether we love, forsaken the first love or not. और साधारण सिंपल एक प्रश्न है, उसका उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर दे देगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। So the question is, Do we obey him now much more than we obeyed him when he first came to Christ? और प्रश्न ये है कि क्या मैं उसकी आज्ञा को अब ज्यादा मानता हूँ बनिस्बत उसके कि जब आया था? So if the answer is yes, obey him more, then you're not forsaking the first love. You're grown in love. अगर आप कहें कि हाँ मैं अब परमेश्वर की आज्ञा को ज्यादा मानता हूँ तो इसका मतलब आपने पहला सा प्रेम नहीं खोया। But if you're not obeying today as much as before, that means you've grown cold in your love for God. और अगर आप पहले जैसी आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के प्रेम जो आपका जो प्रेम था वो ठंडा हो गया। And the reason could be because of circumstances. और उसका कारण हो सकता है कि परिस्थितियां। The Lord spoke about this. He said, because increase of wickedness, the love of most will grow cold. Most means majority. और प्रभु ने इस बात के बारे में बता दिया था कि इन दुष्टताएं बढ़ जाएंगी और इस दुष्टता के कारण से बहुतों का, बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। We're called to be in the minority. और हमें बुलाया गया कि हम जो कम लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, उसमें रहें। Who love God even more today than ever before, simply because we know Him more today than ever we knew before. हम परमेश्वर को पहले से और ज्यादा प्रेम करें क्योंकि हम प्रभु को जो पहले जानते थे उससे अधिक अब जानने लगे हैं। In fact, knowing God more and more will result in more and more love for Him. और इसका जब परमेश्वर को हम जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही हमारा परमेश्वर से जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाएगा। As you know him more and more, we'll have love for people around us also even more. जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारा जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हम ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। And the Lord prayed to the Father in heaven in John 17:26. जब प्रभु ने यूहन्ना 17:26 में अपने पिता से प्रार्थना करी, He told the Father in heaven, उसने स्वर्गीय पिता से ऐसे बोला, I have made you known to them and I will continue making you known to them. मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। That the love you have for me will be in them and I myself will be in them. ताकि जो प्रेम मुझको तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। So as we grow the knowledge of God and become spiritually mature more and more, we manifest the love of God. तो जितना हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, उतना ही परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करते हैं। And one thing that distracts us from this growth in the Lord is looking at circumstances and wondering why wickedness is increasing in the world today. और एक बाधा जो इसमें आती है हमारे ध्यान को भटकाने वही होती है कि परिस्थिति को हम देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु ये दुष्टता मेरे चारों तरफ क्यों हो रही है इतनी? And many Christians today question God about it. और बहुत से मसीह आज के समय में परमेश्वर से इस प्रश्न को पूछने लगते हैं, Lord, why wickedness is increasing in the world today?
और प्रभु क्यों ये दुष्टता संसार में इतनी बढ़ती जा रही है? Why can't you stop it, Lord? आप इसको रोक क्यों नहीं देते प्रभु? You know what the Lord will say? प्रभु जानते हैं क्या कहेंगे? Haven't I already told you in the scriptures it's going to increase? What's why are you surprised? प्रभु कहेंगे मैंने क्या तेरे को पहले नहीं बता दिया था कि दुष्टता बढ़ेगी तो इसमें चंबा करने की क्या बात है? Should I ask yourself, are you in the majority or the minority? Majority love will grow cold, but minority love will increase. तो हमें इस बात को देखना है, अपने से प्रश्न पूछना है कि क्या मैं बहुमत में हूँ या अल्पमत में हूँ? जो अल्पमत है वो कह रहा है, जो बहुमत है वो कह रहा है कि दुष्टता बढ़ेगी, पर जो अल्पमत है वो कह रहा है उनका प्रेम बढ़ता चला जाएगा. One of the opposites of faith is sight. और विश्वास का जो एक जो विरोध बात है वो है देखना, आंखें. In second, for so 1 Corinthians 5:7, Paul writes, "We live by faith, not by sight." और पहला कुरिन्थियों 5:7 में वो कहता है कि हम जो है दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में कि हम जो है आंखों से नहीं पर विश्वास से देखी बातों पे चलते हैं. So when you look at things around us in the world and you find terrible things happening, that affects our faith. और हम जब देखते हैं कि हम आसपास की चीजों को देखते हैं तो उससे हमारे विश्वास को प्रभावित वो प्रभावित हो जाता है. You must understand that God has already spoken in the scriptures about in the last days wickedness will increase. And so no, don't let those things affect your growth. प्रभु ने तो पहले ही बता दिया था कि अंत के दिनों में दुष्टता बढ़ जाएगी, तो ये सारी बातें जो हैं हमारी बढ़ोतरी को प्रभावित ना करने पाए. So lack of love for God, or rather reduction of our love for God because of circumstances hinders growth. और हम परमेश्वर के प्रेम को त्याग, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए हम त्याग दें अपनी परिस्थितियों को देख के, इससे क्या होगा, हमारी बढ़ोतरी रुक जाएगी. A fourth distraction is among believers when they start comparing one to the other and quarreling about different churches and different fellowships. और एक और बाधा जो आती है मसीहों के बीच में वो है कि एक दूसरे से अपनी तुलना करने लगना और एक कलीसिया को दूसरे से तुलना करने लगना. Now the church in Corinth was very gifted church. जो कुरिन्थ की कलीसिया थी ये बड़ी दान पाई हुई कलीसिया थी. In all their speaking, in all the knowledge, they were very, very enriched. और उनकी हर बात में वो बहुत ही आशीषित थे. They're all the gifts of the Holy Spirit. और उन्हें आत्मा के दान सारे मिले हुए थे. But then the apostle Paul wrote to them in 1 Corinthians 3rd chapter verse 1 onwards. और पौलुस उनको लिखता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत से आगे में. First 3-4 verses. पहली 3-4 आयतों में. I can't call you spiritual, only worldly. वो कहता है मैं तुम्हारे को आत्मिक नहीं कह सकता, कुछ शारीरिक कह सकता हूँ. You're infants in Christ. तुम तो मसीह में बालक हो. I gave you milk, not solid food. और मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया. For you're not ready for solid food. क्योंकि तुम उसके लिए उसको खा ही नहीं सकते थे. Indeed, you're still not ready. वरन तुम अब भी उसको नहीं खा सकते. You're still worldly. तुम अभी भी संसारिक ही हो. When you have jealousy and quarreling among you, envy and quarreling, are you not acting like mere men? और जब तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो तो क्या तुम एक शारीरिक लोगों की तरह नहीं करते? These people had the gifts of the Holy Spirit. इन लोगों के पास आत्मा के सारे दान थे. Anyone with gifts of Holy Spirit will say, oh, very spiritual person, gifted person will say, yes, he's gifted, yes, but you can't call them spiritual when they fight. पर हम कहेंगे हाँ भाई बड़ा आत्मिक दान पाए व्यक्ति हैं, इनके दानों को देखते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते ये दान पाए हैं जब वो झगड़ते हैं आपस में. In fact, to people who have the gifts of Holy Spirit, all the gifts of Spirit, he says, I can't call you spiritual. और यहाँ पे सारे दान पाए हुए लोग होने के बावजूद पहले कहता है कि मैं तुम्हें तो तुम्हें आत्मिक नहीं कह सकता. You have spiritual gifts, but I can't call you spiritual. तुम्हारे को सारे आत्मिक दान हैं, फिर भी मैं तुम्हें आत्मिक नहीं कह सकता. You are worldly. तुम शारीरिक हो. You are infants in Christ. You are not grown in Christ. तुम मसीह में अभी भी बालक हो, बड़े नहीं हो. When you have jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? जब तुम आपस में झगड़ते हो रगड़ते हो तो ये तुम बालकों की तरह हो, तुम संसार के पर बड़े 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 लोगों की तरह नहीं हो. What's the problem among them? उनमें क्या समस्या थी? They were comparing different people, different men of God. वो परमेश्वर के दूसरे सब लोगों का आपस में तुलना करते थे. They were saying, I follow Paul, some said I follow Apollos. वो कहता है कोई कहता है मैं पौलुस के पीछे चलता हूँ, कोई कहता है मैं अपोलुस का हूँ. Somewhere I follow Cephas. Cephas is Arabic name for Peter. Peter is Greek for Peter, Simon Peter. और कोई सेफास को कहते हैं जिसको पत्रस का नाम सेफास था, तो वो कहता कोई पत्रस के पीछे चलता हूँ. Cephas in Arabic and Patras in Greek means the same person, Peter. और ये जो यूनानी भाषा में सेफास है वो पत्रस के लिए ही वो शब्द प्रयोग किया गया. Arabic is Cephas and Greek is Peter, Patras.
यूनानी में पत्रस है और अरबी में सेफास है. ओके एंड देन सम आर सेइंग आई फॉलो जीसस और वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के भी चलता हूं. इंप्लाइंग दैट वी आर द ओनली वंस फॉलोइंग जीसस वी फील अस आर फॉलोइंग सम मैन और वो कहते हैं कि तुम कोई कहता है तुम परमेश्वर के पीछे चलते हो तो परमेश्वर ने उसको कहता है कि हर एक प्रभु ने दिया है. By saying I follow Jesus, what they're saying is you people are following Paul, Apollos, Peter. We're only one following Jesus. और ये कहने से उनका मतलब ये है कि तुम तो कोई पौलुस के पीछे कोई पत्रस के पीछे कुछ पत्रस के पीछे चल रहे हो पर मैं हूं जो मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं. When they make comparison like this, Paul is saying you are worldly, spiritual. You are worldly, you are not spiritual. And you are any envy and quarreling among you, are you not worldly? और जब वो ऐसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं ऐसी ऐसी तुलना कर रहे हैं तो पौलुस को कहता है कि तुम संसारिक लोगों की तरह बात नहीं कर रहे क्या. Now it's very very clear in the scriptures in 2 Timothy 2:24 the Lord's servant must not quarrel. और दूसरा तिमोथी 2:24 में लिखा है कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए. Every Christian is a servant of God. We serve in many ways. हर विश्वासी परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर की सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं हम. Whatever calling God has given us, we fulfill that. We are servants of God. जो भी बुलाहट परमेश्वर ने हमें दिया हम उसको पूरा करते हैं और उसकी सेवा करते हैं. Which means, as God's people, we must not quarrel at all. इसका मतलब कि परमेश्वर के जो हम लोग हैं हमें आपस में बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए. There are people in the Bible who quarrel, but we should not take that example. Take the example of those who actually walk with God and who are full of peace and joy. बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं उन लोगों के जो जिन्होंने झगड़ा किया पर हमें उन उदाहरणों को नहीं देखना. हमें उन लोगों का उदाहरण देखना है जो परमेश्वर के पीछे चले और वो शांति और आनंद के साथ चलते रहे. So these people were actually quarreling and envy and Paul said you can't call it spiritual, not grown. और वही आपस में बड़ा झगड़ा कर रहे तुलना कर रहे और पॉल उनको कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक रीति से आत्मिक बोल ही नहीं सकता. So once we get into the argument and quarreling and comparisons, we hinder growth and we stay stagnant at that point of time. और जब हम तुलना करने लगते हैं तो हम अपनी बढ़ोतरी में बाधा बन जाते हैं और वहीं के वहीं हम हमारी बात जो बढ़ोतरी है वहीं की वहीं रुक जाती है. And if you look at Ephesians chapter 4 verse 2, Paul writes, और इफिसियो 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, Be completely humble and gentle. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित. Be patient, bearing one another in love. और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो. Now when you have patience and you're humble, then there's no question of quarreling among each other. अगर हमारे में नम्रता है, दीनता है और धीरज है, तो इसमें फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम झगड़ालू हो जाएं. And patience and humility all come from God's love. और ये नम्रता और जो धीरज है, ये सब परमेश्वर के प्रेम से हमारे पास आती है. They're expressions of God's love. ये सारी ये हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम को दिखाने वाली बातें हैं. In 1 Corinthians 13 chapter verse 4 onwards, Paul writes. पहला करंथियों 13वां अध्याय उसकी 4 आयत से आगे ऐसे लिखा है, लव इज पेशेंट, प्रेम धीरजवंत है, लव इज काइंड, कृपालु है, डज नॉट एनवी, प्रेम ढा नहीं करता, डज नॉट बोस्ट, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, इट इज नॉट प्राउड, और फूलता नहीं है, इज नॉट रूड, वह अनरीति नहीं करता चाहता, इज नॉट सेल्फ सीकिंग, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, Love keeps no record of wrongs. झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता. Love does not delight evil, but rejoices with the truth. पुरकम से आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है. Always protects, always loves, always hopes, always perseveres. वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है. Always trusts, always hopes, always perseveres. सब बातों की इसको सह लेता है, प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज रहता है. And love never fails. और प्रेम कभी टलता नहीं. What an amazing description of God's love in a Christian. कितना अद्भुत परमेश्वर के प्रेम का यहाँ पे चित्रण है. All these qualities of God's love we can manifest as we grow in the Lord. ये सारे प्रेम की जो बातें हैं हम अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं. As we know Him more and more. जैसा हम उसको और अधिक जानते जाते हैं. We manifest all these qualities. जब हम सब इन गुणों को प्रकट करते हैं. As we know Him more and more. जब हम उसको और अधिकाई से जानते हैं. When you have that love of God in us, what happens is something else goes away from our lives. तो जब ये बातें हमारे अंदर आती हैं, तो कुछ चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं. What goes away? क्या चली जाती है? Fear goes away. Unhealthy fear goes away. जो डर है, वो हमारे अंदर से चला जाता है. In 1 John 4:18, John writes.
पहला योना 4:18 में योना ऐसे लिखते हैं, देयर इज नो फियर इन लव, प्रेम में भय नहीं होता, परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, बिकॉज़ फियर हैज़ नो पनिशमेंट, क्योंकि भय से कष्ट होता है, द वन हु फियर्स इज नॉट मेड परफेक्ट इन लव, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है, देयरफॉर डोंट अलाउ दीस थिंग्स टू अफेक्ट योर ग्रोथ, इट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम ग्रोइंग इन द लॉर्ड, इसलिए ये सारी बातों को अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में बाधा बन जाती हैं। A fifth distraction in growth is the pursuit of knowledge for the sake of knowledge. और पांचवी बाधा है कि ज्ञान के पीछे भागना सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। We seek out a knowledge of God, not just knowledge of the Bible. हम परमेश्वर के ज्ञान के पीछे भागते हैं, हम बाइबल के ज्ञान के पीछे नहीं भागते। We can know the Bible very well, we may not know God as much as we know the Bible. Sometimes happens. और बाइबल को जानना कोई बुरी बात नहीं है, पर कई बार क्या होता है, हम बाइबल को परमेश्वर ज्यादा जानने लगते हैं, परमेश्वर को कम जानते हैं। It's all theoretical academic knowledge. और इस ये तो सिर्फ एक किताबी ज्ञान की बात हो गई। 1 Corinthians 8 chapter verse 1 says, knowledge puffs up, love builds up. पहला कुरिन्थियों 8:1 में लिखा है कि ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है। The pursuit of knowledge for the sake of knowledge can puff us up, make us proud. और ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करें ज्ञान के लिए ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। But if you read the Bible to know the God of the Bible, as you know Him more, we'll have love. Love doesn't puff us up. Knowledge puffs up, love builds up. और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, तो हमारा जो परमेश्वर के प्रेम के कारण से हम जो है उसको ज्ञान को सीखेंगे, हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। पर अगर हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम घमंड करेंगे। In the pursuit of knowledge, what happens is we end up arguing with each other about words, about genealogies, about various things, and we argue about the interpretation of the Bible. और जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, जब ज्ञान बढ़ जाता है वचन का, तो हम आपस में बहस करने लगते हैं, उसका क्या मतलब है इस बात पे हम बहस करते हैं। The Apostle Paul wrote to Timothy, who was the elder in Ephesus. और पौलुस ने तिमोथी को लिखा, जो कि इफिसुस में अगुआ था। Also to Titus, who was at that time in Crete. और तीतुस को भी लिखा, जो उस समय क्रीट में था। The elders in Ephesus and Crete. ये दोनों जो थे इफिसुस में और क्रीट में अगवे थे। And he wrote to them about warning people not to quarrel about words. और पौलुस ने उनको चिता के लिखा कि तुम वचन के बात में उसके उसके मतलब के ऊपर बहस मत करो। And 6th chapter of 1 Timothy verse 21 he says some people professing knowledge have wandered away from the faith. और पहला तिमोथी 6:21 में लिखा है कि बहुत लोग ज्ञान के कारण से जो है अपने विश्वास से ही भटक गए। In the pursuit of academic knowledge, they wander away from the faith. और अपने ज्ञान की खोज के पीछे में के कारण से वो ज्ञान में इतना बढ़ गए, पर वो परमेश्वर के प्रेम से भटक गए। Now look at some denominations in the churches today all over the world. अगर हम बहुत सारी जो कलीसियां हैं संसार भर में उसको हम देखें, every denomination claims to be living by the Bible. हर एक जो कलीसिया है वो कहती है हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार। You all take the doctrine of the Bible, take a few verses, make a doctrine out of it. तो बाइबल की कुछ आयतों को लेते हैं और उसी को अपना सिद्धांत बना लेते हैं। Even cults do it. और ये तो जो ऐसे जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो भी ऐसा बना लेते हैं। They all quote the Bible only. वो भी बाइबल को ही उसका आयतों को दिखाते हैं। But not led by the Holy Spirit, rather their own private interpretation. और ये आत्मा की अगुवाई में नहीं करते, अपने खुद के उसके मतलब निकाल के उसके अनुसार चलते हैं। So there are divisions and there's no growth. और इस कारण से उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। In 1 Corinthians 11:19, Paul writes to the church in Corinth. पहला कुरिन्थियों 11:19 में पौलुस लिखता है उस कलीसिया को। No doubt there are differences among you to show who has God's approval. क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग लगे तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएंगे। It's not the will of God that people, Christians, are divided in their doctrine. परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि लोग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर अलग अलग बढ़ जाएं। But the reality is there are divisions. There's a difference among people. पर वास्तविकता ये है कि लोगों में अलग अलग मतभेद है इस बात पे। What does God allow it to happen? परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं? For people to understand what God actually approves of. ये इसलिए कि लोग समझे कि परमेश्वर किस बात को पसंद करता है, किस बात को मानता है। No doubt the difference among you to show who has God's approval. Two people quarrel, one is right, other is wrong. God reveal, vindicate the person who's right. और ये इसमें होता है कि जब झगड़ा करते हैं
तो जो जो व्यक्ति सही है उसको हम जो है उसको उसको हम छुड़ा देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। How does a mature person deal with difference of opinion, difference of doctrines in the churches? पर एक परिपक्व व्यक्ति कैसे ये अलग जो मतभेद होता है इसका कैसे सामना करता है? Philippians 3 chapter 15-16 talks about. फिलिपियों तीसरा अध्याय उसकी 15वीं और 5-16 में पढ़ते हैं, 15-16 में। All of us mature should take such a view of things. If on some point you think differently, even that God will make clear. So, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। If you have different opinion with somebody in the church, in the body of Christ, no point fighting about it. तो अगर कलीसिया में कोई मतभेद है किसी बात पे तो उस पर झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। Put your point across, leave it to God to vindicate you if you're right, and leave and don't fight with people. तो उस बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और परमेश्वर ही आपको छुड़ाएगा और इसमें झगड़ा ना करें। The Bible clearly says, if on some point you think differently, God will make clear to you. और परमेश्वर ने लिखा, वचन में लिखा है कि अगर कोई अलग अलग विचार हैं तो परमेश्वर ही उसको तुम पे प्रकट करेगा। So when you mature, you won't fight. When you immature, you end up fighting, and it prevents you from enjoying your relationship with God and growing in the Lord. अगर हम परिपक्व हैं तो झगड़ा नहीं करेंगे और परिपक्व नहीं है तो झगड़ा करेंगे, परिपक्व है तो झगड़ा नहीं करेंगे, और हम जो है अगर झगड़ा करते हैं तो हम परमेश्वर की बढ़ोतरी में हम रुक जाते हैं। 12th chapter of Hebrews was once says, since Aaron is subject to the witnesses, let's throw everything hinders and sin that entangles us. इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। What hinders us may not be a sin, but it's distracting us. All these things I mentioned today, 5 points. Take care of them. Make sure they don't come in the way of your growth in the Lord. और ये पांचों बातों को हम बड़े ध्यान से देखना है कि ये बातें हमारे ध्यान को भटकाने ना पाए ताकि हम परमेश्वर की आत्मिक बढ़ोतरी में हम ये बातें रुकावट ना बन जाए। It's always dependent upon the Lord for growth, and surely He'll make us more and more like Jesus. The work of the Holy Spirit to make us more and more like Jesus. परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़े और पवित्र आत्मा जी का काम है कि हमें और प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता चला जाए। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।